देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। भिंड जिले की गोहद तहसील में गोहद चौक स्टेशन से हरीशा ग्राम तक एक सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। इसमें ठेकेदार की लापरवाही से 6 महीने में तय काम आज 1 साल बाद पूरा होने पर समाप्त नहीं हुआ। रोड के किनारे बसे गांवों के लोग इस रोड की उड़ती धूल से बहुत परेशान है। लोग खाना तक नहीं खा पा रहे हैं, यहाँ तक कि सांस लेने में तक उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्थमा के मरीज हो रहे हैं, वहीं रात में सोने पर उनके ऊपर धूल की मोटी परत जम जाती है। साइड में खुली दुकानों का सारा माल धूल से भर जाता है। किनारे की फसलों पर धूल की परत जमने से फसलें भी खराब हो जाती है। वहीं ठेकेदार इन सब की अनदेखी कर पानी भी नहीं डालता और अपनी मनमानी कर पुल का निर्माण के गड्ढे कई महीनों से खुदे पड़े हैं, जिनसे जान माल का खतरा बना हुआ है। ग्रामीण जन दुखी होकर अपनी बात हमारे संवाददाता से कहने को मजबूर है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस रोड का निर्माण ठेकेदार ने अभी तक पूरा नहीं करा पाया। समय सीमा के ऊपर निकलता जा रहा है और पानी का छिड़काव नहीं कर रहा है। दादा, आपसे इसको क्या परेशानी होती है? दादा, धूल से बहुत परेशानी है। खाना भी खा पाते, सुबह शाम इतनी धूल उड़ती है गाड़ी, ना तो पानी छिड़का ना बचे। यहाँ ठेकेदार ने मतलब कभी पानी छिड़का? कभी नहीं पानी छिड़का। तो अभी ये ठेके इसको बनते हुए कितना समय हो गया? इसको एक वर्ष होने जा रहा है और ठेकेदार ने कभी पानी छिड़का? जबकि ठेकेदार को रोजाना पानी छिड़काव का पैसा मिलता होगा। इसको 6 महीने हो चुके हैं। कभी यहाँ ठेकेदार पानी छिड़कने के लिए आया? अभी नहीं छिड़का हुआ है, धूल की वजह से बहुत परेशान है, काफ़ी लोगों का अस्थमा हो चुका है। तो सर, यहाँ आपका ये ठेकेदार ने कभी आपने मतलब आया नहीं कभी देखने के लिए? अभी नहीं आया, ना किसी ठेकेदार को देखा है, ना किसी ठेकेदार को जानते हैं कौन सा ठेकेदार है, कौन है, क्या है। तो सर, यहाँ आपकी फसलों को बहुत नुकसान हो रहा होगा? फसलों को भी नुकसान है, फसलें तो हमारी बहुत चौपट हो चुकी हैं, हम भी परेशान हैं, अस्थमा की शिकार हो चुके हैं, बहुत से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, गाँव तक धूल की है। अपना पर्चे बताएं दादा। संग्राम सिंह तोमर, ग्राम तेरा। खबर समय जगत के लिए भिंड से संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।